ओ भाई साहब, हाँ तेरी शहर केड़ी गद्दी घोड़े आले खान गा ते मेरी मेरा नाम बन गया। ये तो बूटी तो चरस पी के बन दें ते जोर करके ना नहीं कदी दिल नहीं कीता के मतलब मेरा ब्याह होए ते मेरे को शगन हो ना कदी नहीं आज तक नहीं सोचा ये तो सोच रहा भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है आप जान रहे हैं हमेशा खुश रहें। तो जनाब जो आपको भी दिखा रहा था ना, मैं भी आया हूँ घर से डेरे पे, जो आपको रास्ते में पड़ोली दिखाई है ना मशीन जो खड़ी थी, वो आने वाली है अपनी मुंजी काटने के लिए, अपनी चावल की फसल काटने के लिए। टाइम भी थोड़ा रह गया, दिन भी थोड़ा, ये देखिए सूरज बिल्कुल डूब गया, तो आती है तो फिर इंशाल्लाह करवाते हैं, चावल की फसल कटवाते हैं। ओके ओके, मानो मानो मानो, अबू जी आ गई जपड़ोली, मशीन आ गई है जनाब जिससे चावल की फसल काटनी है ना, वो जा रही है, वो देखें ये है। ये भी सीधा ऊपर वाले रास्ते से होके वो डेरों की तरफ से फिर ये आएगी अपनी पैली में। चलिए हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ज़मीन की तरफ, वहाँ से वो आएगी उस रास्ते से। और जनाब ये देखें जो उस दिन शटाला डाला था ना, अभी ये देखें सारा निकल आया है दो दिनों के अंदर, ये देखें ये सारे का सारा शटाला है, ये थोड़े ही दिनों के अंदर देखिएगा कितना बड़ा हो जाता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौसम भी आज माशाल्लाह बहुत प्यारा रहा है सारा दिन ही, लेकिन अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया इसीलिए जो है ना सूरज भी डूब चुका है तकरीबन, वो थोड़ा सा बाकी है दिन। तो चलिए इंशाल्लाह बस जल्दी जल्दी उम्मीद करते हैं दिन ही दिन में ख़त्म हो जाए अपना काम। जी जनाब तो फाइनली आ गई है मशीन आगे और अभी यहीं पर उतारेंगे और फिर काटेंगे अपनी चावल की फसल वो वाली इंशाल्लाह। अभी यहीं पे ये नीचे उतरेगी और फिर काटेगी फसल को। इसका जनाब यही फायदा है पराली बच जाती है। गंद फंस गया जनाब, मशीन चल नहीं रही। फिर से जनाब फंस गई है उसमें, पता है रीज़न क्या है? असल में ये जो कोना है ना ये सारी लेटी हुई है और उधर बिल्कुल खड़ी है, तो जो लेटी हुई है ना उसको काटते हुए ये फंस जा रही है बार बार, पहले भी उसने सफाई की थी फिर से फंस गई है उसमें, वो देख रहे हैं आप ये देख।
उसमें फंस गई, अभी वो जाम हो गया, बिल्कुल चल ही नहीं रहा। रीज़न क्या है, ये जो लेटी हुई है ना उस वजह से। अभी अल्लाह ही खैर करे, दिन भी थोड़ा बचा है और ये भी दो बार अभी चलते ही जो है ना वो हैंग हो गई है। आपको दिखाऊं, ये देखो काटती कैसे है यार, करीब से दिखाऊं ये इसका सिस्टम कैसा है। ये चार दांतों का सारा काम है यूट्यूब वास्ते। तो भाई क्या ये क्या, अल्हम्दुलिल्लाह चल पिया काम। बस अभी सीधी हो गई है ना, अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। चल रही है जनाब अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही से, तो तब तक ये कोने में है खड़ी खड़ी, ये हम जनाब अभी काट देंगे दातरी से, बाद में फिर उसमें डाल देंगे। ओके जी जनाब, ये घूम घाम के एक चक्कर लगा के आ गई है वो ऊपर से। इधर किन्ने दाने की कैपेसिटी है, किन्ने दाने की कैपेसिटी है? 18 मन दी, 18 मन यानी 1 मन 40 किलो और 18 मन की कैपेसिटी है इसमें। और शाम भी होने वाली है तकरीबन, बल्कि हो ही गई है, थोड़ा ही टाइम बचा है मगरब की अजान होने। अभी उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा काम, अभी फंसेगा नहीं इंशाल्लाह। चाल अभी बन गई है ना उसकी सीध, अभी फिर से घूम के ऊपर से आ जाएगी। ये मशीन से जनाब चावल की फसल कटवाने का एक फ़ायदा ये वाला कि ये पराली बच जाती है, गायें रखी हुई है ना उनके लिए फिर ये पराली बाद में बाय करनी पड़ती, ख़रीदनी पड़ती, तो इससे कटवाने का ये फ़ायदा है कि ये अपनी बन जाएगी। एक बार खाली हो गई है जनाब, इतनी सी निकली है एक बार में, और अभी तकरीबन बहुत ज़्यादा बाकी है, सिर्फ 2 बार ये घूम के आया ज़मीन से, अभी तो ज़्यादा बाकी है। मैं फिर जावा ले आवा कपड़ा छपड़ा। चलो सही फिर, हूँ काम तो नहीं ना इतने कोई। जी जनाब, तो मशीन अभी तक चल रही है, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तकरीबन इशा का टाइम हो गया, अभी आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और वहाँ से लेके आऊँगा बुझाने के लिए मच्छरदानी और चारपाई पे बिछाने के लिए कंबल वगैरह। वो रात इधर ही रुकेंगे, ये जो अपना इधर चावल की ये कटाई करके रखा हुआ है ना मटेरियल, इधर ही सोएंगे वो आज। हो जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली घर पहुंच गए हैं। ओए मानो भी ले आके खड़ी है हमारे इस्तकबाल के लिए, देख के गिरना नहीं है। ये बोरा वास्ते काट दे पे उम्मीद जी, हूँ ले आके जाने नहीं। अब बोरा के वास्ते मच्छरदानी ते कंबल वो दे दियो, फिर मैं आपे छाड़ दूंगा। जी जनाब, तो ये बिस्तर है और ये मसम्मी है, ये रेडी है, अभी ये लेके जाने लगे हैं अबू जान के लिए डेरे पे, उधर ही वो रुकेंगे, तो चलिए इंशाल्लाह निकलते हैं फिर। गाड़ी अपनी ऑलरेडी बाहर खड़ी है ये वाली, तो चलिए फिर इसको लेके चलते हैं सीधा डेरे पे इंशाल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग जनाब? आपको पता है रात को चावल की फसल काटी थी, ये 2 पैलियाँ हैं जिन्हों के बिचों जनाब का राती चावल की फसल वढ़ी गई है, सारा क्लियर है। ये पराली को भी एक साथ ही इकट्ठा करके
कहीं कोने में लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में भी सूखेगी, दो तीन दिन ऐसे ही पड़ी रहेगी धूप में, सूखेगी तो फिर लगाएंगे। अच्छा, ये काटने के बाद ये अपनी निकली है चावल की फसल, ये टोटल इतनी निकली है माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल एकदम पकी हुई है, सूखी हुई है, ये है सारी, इतना मटेरियल निकला है माशाल्लाह, अच्छी निकल आई है जनाब चावल की फसल। अभी अब्बू जान डेरे पे नहीं है, मैं सुबह सुबह उठ के डेरे पे आया हूँ, वो गए हुए हैं जो भाई को ये सेल करनी है ना उसे लेने के लिए गए हुए हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। कैसर भाई, वालेकुम अस्सलाम, कितने जनाब, कोई खैर खबर नहीं, हफ्ता 10 दिन होए ने आया, सेहतां तबीतां ठीक ठाक ने, खैर हुई है उधर कार का दबा दब और फिर सेहतां तबीतां वालने ठीक ने बो बो सरकार तशरीफ रखो बैठे और सत कनाला चो 43 मन है, 44 ठीक रहा काम ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लोडिंग करेंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। गद्दी ते नहीं मल लैनी, केड़ी गद्दी, घोड़े खानगा ते मेरी मेरा नाम अगला घोड़ा फिर बूटी तो चरस पी के बन दें जोर करके मैं पता मां प्यो दी जो ही है नहीं दरवेश जोर करके बन दिया अल्लाह दे कमना बना गया मेरे मुर्शिद दे सदके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मां दी सेवा करी जा सेवा लेने हां ते ओ जेड़ी विच कदी कदी हेरा फेरी करने नन करया कर चाचू कसम खुदा दी नहीं करदा रिज़क पड़या जे हां मैं ओ कदी कदी ओ फिर आंदी है ना कासर नहीं तियां नहीं कदी दिल नहीं कीता के मतलब मेरा ब्याह होए ते मेरे को शगन हो ना कदे नहीं आज तक नहीं सोचा फिर तो सोचना भी नहीं जदू व्याह होना ना फिर कपड़े शपड़े सारे धो धा के इस्त्री करके असल जवानी नी ना आई है चार पैसे होना व्याह होंदा चाचू नाले मां प्यो दी इज्जत भी सेवा भी होंदी है जी जनाब तो अल्हम्दुलिल्लाह काम खत्म हो गया, ये जा रहा है ट्रेलर सारी मंजी लेकर अपनी, काम खत्म हो गया। अभी मैं आया हूँ, अबू जी चारा काट रहे हैं गाय के लिए, वो अभी उठा के अंदर डालेंगे और फिर जाएंगे घर। तो जनाब इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं, बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, लाइट सुबह की नहीं आई पाकिस्तान में जनाब, ये बहुत अजाब है, सुबह की लाइट गई हुई है, अभी बैटरी मोबाइल की ख़त्म होने वाली है।
तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है, वीडियो को शेयर करें और अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार। ओके जनाब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।